इन दोनों वीडियो में दिख रहे लोग क्या एक ही शख्स है? आपको क्या लगता है? अगर जवाब हाँ है तो मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सचिन वजे ने ही मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो पार्क की थी, और जवाब नहीं है तो एनआईए का अंदाजा गलत है। तो कोई राय बनाने से पहले ध्यान से इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, कदम पर गौर कीजिए, चाल देखिए, कदम ताल देखिए, हाथ कैसे हिल रहे हैं ये भी देख लीजिए। बाई तरफ का वीडियो 25 फरवरी का सीसीटीवी फुटेज है, जब मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो पार्क की गई थी, जिसमें जिलेटिन की छड़े रखी हुई थी। स्कॉर्पियो से निकलकर एक शख्स पीपी किट नुमा ड्रेस में चलता दिख रहा है। चाल डाल देख एनआईए को लगता है कि ये सचिन वजे ही है, लेकिन लगने से कोर्ट में काम नहीं चलेगा, साइंटिफिक सपोर्ट चाहिए। उसी साइंटिफिक प्रूफ को जुटाने के लिए दाई ओर का वीडियो क्रिएट किया जा रहा है। 19 मार्च की रात 11 बजे एनआईए की टीम एंटीलिया पहुंची, मुंबई का कारमाइकल रोड, जहां लता मंगेशकर से लेकर आरबीआई गवर्नर तक रहते हैं। यह हाई प्रोफाइल एरिया क्राइम सीन रिक्रिएशन का लोकेशन बन गया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने उस जगह पर मार्किंग की जहां सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध शख्स चलता दिख रहा था। उसके बाद कैमरा ऐसी जगह पर फिट करवाए गए जहां से सीसीटीवी वाला एंगल मिल सके। खास सीसीटीवी रिजोल्यूशन के कैमरों का इस्तेमाल किया गया। सचिन वजे ने न जाने कितने मामलों में क्राइम सीन रिक्रिएट करवाए होंगे। आज वो निर्देश दे नहीं रहे थे बल्कि ले रहे थे। वजे को पहले उन्हीं के पहनावे में, यानी नॉर्मल शर्ट पैंट में चलवाया गया, उसके बाद कुर्ता और सिर पर स्कार्फ बांधा गया, और फिर 2 से 3 बार उसी मार्किंग पर चलने को कहा गया। ये पूरा रिक्रिएशन तकरीबन घंटा भर चला। ये दोनों एक ही व्यक्ति है या नहीं, इंसानी आंखें कहीं धोखा न दे दे, इसलिए अब इस फुटेज को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा, जहां फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस होगा, डिजिटल मैपिंग होगी, और फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। इस बीच सचिन वजे पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एनआईए ने अब मनसुख हिरेन की मौत का मामला भी अपने अंडर ले लिया है। एटीएस ने भी कोर्ट में कहा है कि उसे मनसुख के मर्डर में वजे का हाथ होने का शक है।